गुड आफ्टरनून ज्यादा अच्छा था आपसे, जोश वाला गुड आफ्टरनून चाहिए। चलो देन हर्षद सर को पूछेंगे वहां पे आपका गुड आफ्टरनून सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया। सर क्लास ले रहे वहां पे, तो आई आस्क हिम कि तुम्हारा गुड आफ्टरनून सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है सर को। सो लाउड एंड क्लियर, गुड आफ्टरनून क्लास, दैट्स बेटर। नाउ वी आर ऑन द चैप्टर कॉल्ड प्रेसी राइटिंग। इस प्रेसी राइटिंग कल का रूल फॉलो होता है, नो मूवमेंट, यस एब्सोल्युटली स्टैच्यू, no movement, or aaj to punishment you will have to face the music today, we're going to have dumb sharers, so anybody who's found moving, main pehle bata dungi it's you, and then usko aake fir wo apna non verbal communication karenge fir, theek hai, ha, aur filhal bhi aap non verbal communication hi karna hai puri class mein, theek hai, ha, come on get seated fast। तो कैसा था आज का दिन, कैसा था आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छा था। खाना खाया आप लोगों ने? कैसा था खाना? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, बी पॉजिटिव, योर डे गेट्स बेटर, ओके राइट। सुनो स्टूडेंट्स, तुझे मैंने बोला था आगे आके बैठना है, एंड इफ यू वांट टू सिट बिहाइंड जस्ट लॉक योर Zip your mouth and sit there. Otherwise, इधर आगे, हाँ? Now listen, students, in the pressy writing, I am on B part, तो वो B वाला pressy writing करके लेंगे, और उसके बाद extra practice का है, तो मैं extra practice के लिए जो भी है आपको, you know, I'll tell you कि अभी आप वर्किंग करना चालू कर दो। पैसेज भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दिया हुआ है, प्रेसी राइटिंग में भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। देयर विल बी विल फिक्स वन डे एंड आई टेल यू कि ऑन दिस डे आई एम गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स, एंड मुझे सबके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला रेडी चाहिए। और ऐसे आंसर टिक कॉपी, दोस्तों से कॉपी करके टिक किया तो मुझे नहीं चलता है, आपको मार्क करना रहता है। आई विल आस्क यू उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, ये पैसेज में क्या बोला गया है। मैं किसी को भी रैंडमली बोलूंगी, आप ऐसे नहीं कि दोस्तों का क्वेश्चन कॉपी करके ने क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू टिक कर दिया, मार्किंग कर लिया, आई डोंट वॉन्ट दैट, राइट? व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू की फिनिश इट ऑफ, जब बाकी के क्लासेस खत्म हो जाएंगे एक बार आप स्टडी करोगे तो यू हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू स्टडी, नो? यस, यू हैव अदर फिश टू फ्राई, एंड आई थिंक फॉर सब्जेक्ट लाइक बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इतना आपने टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्लास में कर लिया, उसके नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखा है, उतना कर लो तो आपको मार्क्स वो स्कोर करने में आपको हेल्प कर देगा, राइट? सो एज मच एज पॉसिबल लेट्स डू इट ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ओनली, राइट? नाउ हम पढ़ेंगे बी पैसेज, तो आप पढ़ोगे बी पैसेज, मैं नहीं पढ़ूंगी, एग्जाम में आप ही को पढ़ना है, तो बिल्कुल बी पैसेज पढ़ना है। स्टार्ट रीडिंग एंड आई एम गोना आस्क यू टू एक्सप्लेन मी अबाउट द पैसेज, ओके? नोबडी इज टॉकिंग नाउ, रीड दिस पैसेज। एनीबडी फाउंड टॉकिंग विल बी आस्क्ड, विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर आर दम शेरास, यस। कल क्यों नहीं आया था तू और तू, दोनों कल क्यों नहीं आए थे? हाँ दोनों साथ में बीमार पड़ गए, का घरी का होतास? एक दिवस जाऊन आलास? अरे बाप रे, मिस नहीं कराए क्लासेस, हु इज मिसिंग व्हाट हियर? कौन क्या मिस कर रहा है बताओ जरा मुझे। मम्मी पापा, आई बाबा, आई बाबा, ओमकार,
I want you to underline, there's one idiom, one or two, do idioms are yahan pe. Yes, I want you to underline two idioms also in this. Underline the idiom and think of a title. उठा रहे उसको जा खाली दोनों राउंड मारूंगे भागते हुए जाओ भागते हुए आ जाओ ऊपर नींद खुल जाएगी It's a slightly big passage, na? Read it carefully.
क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पैसेज पढ़ने के बाद दो मिनट सोचने का कि हमें बनाना क्या है. प्रेसी, प्रेसी कितना होता है कंटेंट वाइज? 1/3. तो आपको दो तीन काम, टाइटल के बारे में सोचना, फिर आपको नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना है, फिर उसका 1/3 निकालना है कि हमें इतनी लाइंस लिखनी है, फिर कितनी लाइंस लिखनी है, अच्छा 10 लाइंस लिखनी है, 12 लाइंस लिखनी है, तो वो हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करने पड़ेंगे. एंड प्रेसी ओन वर्ड्स में लिखा जाता है कि राइटर्स के वर्ड्स एज इट इज कॉपी करेंगे, ओन वर्ड्स मतलब सॉरी पैसेज के ओरिजिनल मटेरियल नहीं कॉपी करेंगे, ओन वर्ड्स में लिखेंगे. बराबर? हाँ चलो नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर दो. 33. सो यू हैव 33, सो 1/3 इज 11. सो अराउंड 11-12 के ऊपर तो बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है. सो अराउंड 11-12 प्रेसी इज ऑलवेज 1/3. इसको टाइटल होता है क्या? हाँ. अच्छा ये यू नो क्या करने का एग्जाम में, देखो अभी मैं जैसे आपको सवाल करती हूँ, जब आप एग्जाम में पैसेज पढ़ते हो ना, टेल योर सेल्फ लाइक अ स्टोरी. अच्छा ये पैसेज किस चीज के बारे में है? कि ग्रामर के रूल्स, आपको कोई GMAT एग्जाम में पेपर क्लियर करना है, वहां पे ग्रामर के रूल्स आपने बिल्कुल लर्न करने चाहिए. और ग्रामर के लिए क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं ऐसा ऑथर बोल रहा है, लेकिन ज्यादा रूल्स नहीं है. तो कौन सी बुक्स है दो जो ऑफर बोलता है कि आपने बिल्कुल देखनी ही चाहिए? सी यहाँ पे दो बुक्स है, देयर आर फ्यू गुड बुक्स, बट आई यूज अ मैनहट्टन GMAT सेंटेंस करेक्शन गाइड एंड देयर इज वन मोर. अयो ऊपर है कि नीचे है? 109 और 110. 109. हाँ नेक्स्ट सेंटेंस बोलने का, क्या बोलने का? नेक्स्ट सेंटेंस. तुम नीचे बोलोगे मतलब आई गो डाउन, आई थिंक इट्स डाउन. मैनहट्टन अंडरलाइन किया मैम, नेक्स्ट सेंटेंस इज एरिस्टोटल. ओके, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड देर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी कि नीचे मतलब कहाँ बोल रहे हैं. 109, 110, आई डिन अंडरस्टैंड. ओके एनीवेज, सो ये दो बुक्स है, ये दो बुक्स है जो आपको रेफर करना है. ये जो एक idiom है ना, आंसर नहीं बताना मुझे, आंसर नहीं बताना, खबरदार आंसर बताया तो. हाँ ना सुनो, However, the questions on the GMAT, मैंने जो दो lines underline किए ना, बच्चा लोग देखो यहाँ पे ध्यान दो, चलो फटाफट एकदम अच्छे से क्लास में फिनिश करेंगे, all charged up. कैसे बैठना है professionals की तरह, spine cord straight and focus and say it's a very interesting and easy subject and I'm enjoying the class. What is everybody going to say? I am enjoying the class. Yes, so I'm also absolutely enjoying teaching you all. So let's understand. ये जो three lines है, जरा ध्यान से देखो. However, the question on the GMAT are very tricky, so you should go through the book 5 to 6 times. कितनी बार? 5 to 6 times. And make flashcards. You know, you play, you used to play games, no? जो flashcards होते हैं, हम छोटे थे तो, हाँ? But uno तो है, हाँ, uno भी है, but और भी कोई ऐसे, हाँ, uno also we can say. And the younger kids, there is this flashcards, cards where they have some games, pictures होते हैं, and you know, you show it. Slam attacks. Okay. You have those अलग अलग Pokemon cards और ऐसे कुछ कुछ cards आते हैं ना, हाँ you carry. अच्छा सुनो, we not deviate, हम grammar पे focus करेंगे. तो ये बोल रहे हैं कि Manhattan की जो book है कितनी बार पढ़ो? 5 to 6 times. और उसके बाद make flashcards for every rule so that you make sure that the every rule becomes absolutely down cold. मुझे एक चीज बताओ, 5 से 6 बार पूरा book पढ़ लेंगे, फ्लैश कार्ड बना लेंगे, तो ऑब्वियसली रूल्स क्या हो जाएंगे? बाय हार्ट. क्या हो जाएंगे? बाय हार्ट हो जाएंगे. सो डाउन कॉल मतलब इतना वो रूटीन में बैठ जाना कि आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में आपको आ जाता है. सी आई टेल यू वन थिंग, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेस्टीज पॉइंट में आए थे, यू डिन अंडरस्टैंड योर रास्ता कहाँ कैसे जा रहा है, यू डिन नॉट अंडरस्टैंड कहाँ लेफ्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. नाउ बाय डिफॉल्ट आपको बहुत बार आप ध्यान दो कि आप फोन पे बात करते करते भी सही रास्ता ले लेते हो, या गाड़ी पे भी हम ऐसे फोकस करके ध्यान देके नहीं, घर का जो हर रोज का रास्ता है हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन नया रास्ता होता है तो वी फोकस कि अच्छा कहाँ जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है. सो बाय रिफ्लेक्स एक्शन जो हमें आ जाता है, सो डाउन कोल्ड मतलब बाय हार्ट आपको हो जाना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस.
सो एक चीज बोलो ना, मीनिंग नहीं पता है तो भी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि अगर पांच छह बार पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली लर्न ही हो जाएगा ना अपने को, राइट? सो यू हैव टू मास्टर इट सो वेल दैट यू डोंट रिक्वायर फोकस. बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या है या ये रूल क्या है, एफर्ट लेके याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, राइट? नाउ हमें अंडरलाइन करना. अच्छा, आपने कुछ सोचा? आप सोच के रखो, मुझे आंसर मत दो अभी. मुझे एक चीज आपने सोचनी कि टाइटल क्या देना है इसका. सोचो, आंसर नहीं देना है, जब मैं पूछूंगी तब देना है ना. सोचो जरा. व्हाट टाइटल डू यू वांट टू गिव? यस, क्या टाइटल दोगे? ये मेन कौन सी एग्जाम की बात हो रही है? जीमैट. जीमैट में भी कौन सा पेपर? सेंटेंस करेक्शन. तो उसके लिए बोला है कि हाउ टू गेट बेटर. ना सुनो, इफ यू राइट प्रेसी ऑन दिस एंड समबडी इज गोना गूगल कि जीमैट, तो ये इसके कीवर्ड्स है ना. हमेशा हम टाइटल कुछ ऐसा देते कि जहां से कीवर्ड से पता चले कि इस पैसेज में है क्या. तो पैसेज इज टेलिंग अस जीमैट का सेंटेंस करेक्शन डैश हाउ टू गेट बेटर. तो हाउ यू कैन गेट बेटर? ग्रामर की ये फलाना फलाना दो बुक्स है वो पढ़ लो, ये रूल्स आप डाउनलोड कर दो, एड नोजियम मतलब भी बहुत एफर्ट्स लेना, इतनी बार रिपीट करना कि आप थक जाते हो कि अरे ये कितनी बार आंसर हम रिपीट कर रहे हैं, रूल्स बार बार रिपीट करो. सो ऐसे करने के बाद कुछ स्टेप्स दिया कि इस तरह से आप इसको एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, राइट? तो हमारा टाइटल क्लियर है? इज एवरीबडी अग्रीइंग टू द टाइटल? क्या बोला रहा टाइटल जरा बोलो फिर से. GMAT सेंटेंस करेक्शन हाउ टू इंप्रूव. बरोबर बरोबर. अब सोचो 33 है तो आई वुड लाइक 11 लाइंस, मुझे 12th लाइन भी नहीं चाहिए. वी वुड लाइक हाउ मेनी लाइंस? 11. तो आप 11 लाइंस में कौन से पॉइंट्स ये करोगे? सी अभी एग्जाम में स्टेप वन स्टेप टू लिखने का हमको टाइम नहीं है. डू इट हियर कि रीड इट केयरफुली, हाईलाइट द मेन पॉइंट. तो मेन पॉइंट का टाइटल बन गया. अब हमें हाईलाइट करने 10 से 11 पॉइंट्स जिनके हम सिंपल 11 सेंटेंसेस बना पाए. हमें ओन वर्ड्स में लिखना है और हमें रिपीटेशन नहीं करना है, करेक्ट? सो चूज योर 10 to 11 सेंटेंसेस पॉइंट्स यहाँ पे, बराबर? चलो जल्दी चूज कर लो आपके पॉइंट्स.
ओके आपने चूज कर लिए। ऐसा हो सकता है कि एक हाथ दूसरा पॉइंट आपका और मेरा सेम ना हो, अलग हो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यू डोंट हैव टू वरी, वी नॉट गोइंग टू हैव द सेम आंसर स्टूडेंट्स। ओके नाउ मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ, हम चेक करते फिर मैं आपको ये डिक्टेट करती हूँ, है ना, आंसर इसका। सो सुनो, पहले हम ऐसे करेंगे कि पहले तो देखो ऑथर हमको क्या बोल रहा है। सी, अगर आप, वो आपको पहले तो डरा नहीं रहा, पहले सेंटेंस में ये बोल रहा है कि सेंटेंस करेक्शन, दिस इज डूइंग वेल इन दिस सेक्शन रियली इज अ फंक्शन ऑफ नोइंग योर ग्रामर रूल्स वेरी वेल एंड देन प्रैक्टिसिंग। मतलब वो ये बोल रहा है कि इस सेक्शन में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो वो मैनेजेबल है, इट इज अ डूएबल थिंग। इज इट डूएबल? ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट ग्रामर सेक्शन जो है ये बिल्कुल डूएबल है, आप इसमें बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर वेल। ओके तो इसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट डज ही से, सी व्हाट सेंटेंस ही यूजेस, स्पेंड सम टाइम फिगरिंग आउट व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल। सो वी कैन से आइडेंटिफाई व्हाट इज द बेस्ट बुक्स अवेलेबल एंड द बेस्ट बुक्स अवेलेबल आर द मैनहट्टन एंड द एरिस्टोटल। सो दीज आर द टू मेन बुक्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। नो योर ग्रामर रूल्स सो वेल एंड रिवाइज देम, रिपीट देम सो मेनी टाइम्स दैट दे आर ऑन योर फिंगर टिप्स एड म्यूजियम या दे डाउन कोल्ड, मतलब दे आर ऑन योर फिंगर टिप्स, करेक्ट? देन दे कैन से ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी नहीं होंगे। अच्छा, एक मैथ से कंपेरेटिव एक सेंटेंस है, वेयर दे से, कहाँ है वो, ऑन पेज, यस, क्लोज, ओके गुड। द नंबर ऑफ रूल्स यू हैव टू लर्न पेल्स इन कंपेरिजन टू द टॉपिक्स यू मस्ट नो फॉर मैथ, मतलब पेल्स इन कंपेरिजन मतलब उसमें कम है, ग्रामर रूल्स 10 ही लर्न करने हैं, लेकिन मैथ्स के प्रॉब्लम्स हमें टॉपिक्स काफी सारे लर्न करने। तो एज कंपेयर टू मैथ्स द ग्रामर रूल्स आर वेरी वेरी लेस पेल, यू नो, अरे ये एकदम पेल हो गया या एकदम फेंट हो गया, मतलब ये कम है, ग्रामर इज लेसर एज कंपेयर टू मैथ्स के टॉपिक्स। यस, कुछ idioms है वो अंडरलाइन करके मैं आपको उसका मीनिंग दे देती हूँ। Then they say, of course, there are कुछ questions जो हार्ड है वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आता है, और आपने अगर अच्छे से मीनिंग नहीं दिया तो सेंटेंस का पूरा आपका मीनिंग गलत हो गया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी आंसर करते वक्त अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो मल्टीपल चॉइस में, चूज द आंसर विच यू फील इज मोस्ट लॉजिकली करेक्ट। हमें ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ 11 सेंटेंसेस में प्रेसी कंप्लीट करना है, 33 सेंटेंसेस का 1/3 करना है, सब कुछ हम ऐड नहीं कर सकते ना। किसी को अगर एक हाथ सेंटेंस वो idioms पे ऐड करना है कि लर्निंग idioms वुड बी गुड एंड इट विल हेल्प यू, वी कैन थिंक, तो एक ड्राफ्ट बनेगा, idioms वाला सेंटेंस आ गया, फिर काउंट करना कितने सेंटेंस बने। अगर लग रहा है कि नहीं नहीं 11 से ज्यादा हो गया है, उधर क्या लिखोगे फिर, फर्स्ट ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है, फिर उसको आप एडिट करके नीचे फाइनल प्रेसी बोल के लिखोगे एग्जाम में। एग्जाम में भी अगर ऐसा हो गया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 11 लाइंस, टू बी प्रिसाइज इट सेज 1/3 ऑफ द वर्ड्स, बट इतने वर्ड्स काउंटिंग का हमें टाइम नहीं है, तो हम अप्रोक्स लाइंस के बेसिस पे भी ले सकते हैं एग्जाम में। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो क्या करना है, तुम तो आप लोग लिखोगे या मैं डिक्टेट करूं? मैं डिक्टेट करूं, ठीक है, मैं डिक्टेट करूं या मैं लिखवाऊं, मतलब मैं लिखूं, मैं लिखूं, ठीक है, क्या पढ़ाई चल रही है? बराबर बोलती है, रुक, मुझे कौन सा स्विच है पता नहीं है। ओके, लेट्स फर्स्ट राइट, बच्चे लोग टाइटल क्या बोलोगे? जी मैथ सेंटेंस करेक्शन - हाउ टू गेट बेटर। यस, यू कैन से वेरी गुड, यस, somebody कैन also give प्रिपरेशन फॉर जी मैथ सेंटेंस करेक्शन। सो अगर किसी को टाइटल देना है प्रिपरेशन फॉर जी मैथ सेंटेंस करेक्शन, एब्सोल्युटली गुड टाइटल, नो प्रॉब्लम। हर किसी का अपना अपना टाइटल आप दे सकते हो, बिल्कुल वेरिएशन हो सकते हैं, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जी मैथ, सेंटेंस करेक्शन, हाउ टू गेट बेटर।
the sentence correction of GMAT. Of the GMAT is very doable. कोई बोलेगा doable, is manageable, or you can get a good score, you know, is doable if you know what. क्या बोलना चाहता है? If you know your grammar rules, if you know क्या हुआ? ओ मेरी लाइंस नहीं काउंट करेंगे, आपकी नोटबुक की लाइंस, बिकॉज मैं बहुत कम वर्ड्स लिख रही हूँ एक लाइन में, सो दैट आपको वो रीडेबल हो जाएगा ना. मैं अगर एक साथ ऐसे पास पास लिखती हूँ तो वो समझना मुश्किल होता है, इसलिए मेरे पैसे की लाइंस नहीं काउंट करेंगे, हम आपकी नोटबुक की लाइंस काउंट करेंगे. ओके, यस, सो यू शुड नो योर ग्रामर रूल्स, डूएबल इफ यू नो योर ग्रामर रूल्स वेल, फुल स्टॉप. फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रामर रूल्स कहां से पढ़ोगे? आइडेंटिफाई, यस, आइडेंटिफाई बेस्ट स्टडी मटेरियल, आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड स्टडी देम few times to ensure that the grammar rules are on your fingertips. The grammar rules are on your fingertips. ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं आपको ये प्रेसी बिल्कुल सिर्फ रीड इसलिए करना है कि देखो हमने कितना शॉर्ट किया है, लर्न नहीं करना है इसको, मगअप नहीं करना है, प्रेसी के रूल्स पढ़ के जाना है, समरी के रूल्स पढ़ के जाना है, और प्रैक्टिस अभी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रेसी के लिए दिया है वो आप करो, दैट्स ऑल, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस, राइट. एंश्योर दैट द ग्रामर रूल्स आर ऑन योर फिंगर टिप्स. Then they've given a para and they're writing here. एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखो. Leave a line here. Why? Because earlier चार lines का तो प्रेसी था यार, अभी lines of the प्रेसी is at least 12 है, बड़ा passage है, तो paragraph में कर दिया तो ठीक है. So that is what the institute has also done. Where अभी अब तक के हमारे प्रेसी कितने lines के थे? चार और तीन या 12 lines का passage होता था, 1/3 मतलब चार lines के ऊपर तो लिखा नहीं, उस चार lines में क्या paragraph बनाओगे? इधर भी पैराग्राफ मतलब अलग नहीं, लेफ्ट ये जो मार्जिन है वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ उन्होंने एक सेंटेंस एक लाइन बीच में छोड़ा है. सो यहाँ पे लीव अ लाइन, योर जहां मैंने एरो दिया, लीव अ लाइन एंड देन नेक्स्ट लाइन यू राइट डाउन सम रेफरेंस बुक्स दैट यू कुड यूज are, write down the name, some reference books that you could use are Manhattan GMAT Sentence Correction Guide. And Aristotle Sentence Correction Book. अच्छा तो हम बोल रहे हैं, अच्छा एक बुक खरीद लो और ग्रामर रूल्स पढ़ो. ग्रामर रूल्स कम है या बहुत ज्यादा है? कम है, कंपेयर टू जो हम मैथ्स में करते हैं उससे कंपैरिजन में तो ये ग्रामर रूल्स बहुत कम है. यस, सो
you don't actually have to learn. हाँ लेती हूँ You don't actually have to learn that many grammar rules. क्यों बात कर रहा है बोल क्या हुआ हाँ नहीं लिखा था अभी इधर तक है हाँ देख You don't actually have to I missed out something learn you don't actually have to learn that many grammar rules for GMAT itne zyada nahi hai rules maths ke to topics isse bahut zyada hai utne to rules bhi nahi hai correct questions on GMAT are tricky same udhar hi likhna hai questions on GMAT are tricky so make sure you have every rule absolutely down cold एक आधा फ्रेज वहां से ले लिया चलेगा हमने बाकी तो अपने वर्ड्स में लिखा है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए या हमारे सेंटेंसेस हैं हमारे वर्ड्स में फ्रेम किए हुए कितने हो गए नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट के पैसेज का जो प्रिंट है तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ दे राइट उनका प्रिंट बहुत छोटा होता है तो लाइंस की जगह पे हमें वर्ड्स ही देखने पड़ेंगे फिर एग्जाम में क्योंकि अभी अगर यही मैंने मॉड्यूल में देखे तो मॉड्यूल में मैंने बोलो जितना मैंने आपको बोला तो उसके कितने लाइंस हुए अब तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो अब तक मैंने यहां तक लिखा है ना डाउन कोल्ड ये मॉड्यूल में कितने लाइंस है 7 मतलब और 4 लाइंस है तो हमें ज्यादा फोकस किस पे देना पड़ेगा मतलब एग्जाम में वर्ड्स में अभी वर्ड्स लर्न करोगे कैसे देखोगे एक लाइन में लगभग आपकी जो टेक्स्ट बुक है एक एक लाइन में देखो ना कितने आ रहे हैं वर्ड्स 15 आपकी नोटबुक के नहीं नोट्स में देखो 15 और हम नोटबुक में कितने लिख रहे हैं हाँ तो डिफरेंस इधर ही छे समझा क्या हम जो पैसेज की एक लाइन है पैसेज की एक लाइन में वर्ड्स कितने आ रहे हैं 14 से 15 हाँ कि नहीं और तेरी नोटबुक में जो एक सेंटेंस है उसमें वर्ड्स कितने 8 है तो उधर ही आपका फर्क पड़ गया ना सो वी विल हैव टू गो बाय द वर्ड्स एंड नॉट बाय द लाइंस एग्जाम में हमें कैसा जाना पड़ेगा लाइंस काउंट करके नहीं चलेगा बिकॉज यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मैथ्स ऐसे रूल है ना इक्वल होता है तो ही कंपैरिजन होता है दिस इज नॉट इक्वल उनके पैसेज की लाइंस की साइज अलग है और हमारे नोटबुक की लाइंस की साइज अलग है डू यू अंडरस्टैंड वी आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा क्या हाँ नहीं तो हम डोंट एनी लाइंस वील गो बाय वर्ड्स तो लगभग बताओ पैसेज में वर्ड्स कितने होंगे पैसेज में वर्ड्स कितने होंगे लगभग ए मैं ना तुमसे बात कर रही हूँ कैमरा से या वर्चुअल वाले बच्चे तो वो देख ही रहे हैं हमारा बट हम मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे हाँ अरे 400+ है ना कितना लेकिन अप्रोक्स कितना देखो ना पैसेज में लाइंस कितने थे बोले तुमने 13 सो 13 × 14 करना पड़ेगा आपको तो कितना 33 लाइंस ओके सो 33 लाइंस इनटू 13 इज हाउ मेनी वर्ड्स 430 पकड़ लो 430 का 1/3 करो डोंट टॉक वेयर ऑन समथिंग सो इंपॉर्टेंट तू एग्जाम में आया तो क्या करने वाला है सुन के लो इंस्ट्रक्शन मुझे आता है ये 430 डिवाइडेड बाय 3 143 आपके आपके लाइंस में 143 डिवाइडेड बाय आपके वर्ड्स कितने बनते हैं 8
सो 143 डिवाइडेड बाय 8 करो. यस, सो अप्रॉक्स आपको 11 नहीं, अप्रॉक्स कितनी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, 18 लाइंस, तब जाके वो प्रेसी कंप्लीट होगा. डू यू गेट द वाई 11 से हम 18 पे कैसे चले गए? मुझे प्रॉब्लम बताएगा कोई क्या हुआ था कि पैसेज के एक लाइन में कितने वर्ड्स है. हाँ, लेकिन जो हम 13 या 14 है और जो हम हमारे नोटबुक में लिखते तो वहां पे हम 8 ही वर्ड लिख पाते, तो इसलिए लाइंस का कंपैरिजन करना गलत होगा. तो हमें अप्रोक्सीमेटली वर्ड्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा. यस, सो वी हैव टू राइट मोर. सो राइट डाउन, देयर आर इंस्टेंसेस ऑन नेक्स्ट पैरा. सो लीव अ लाइन हियर, लीव अ लाइन. देयर आर इंस्टेंसेस ऑन मोर difficult problems. Where you need to assess matlab read, understand, check. Yes. Where you need to assess the meaning of the sentence. Assess the meaning of the sentence. Full stop. When in doubt, go with the answer. Go with the answer choice that seems more logical. Go with the answer choice that seems more logical. Also remember, the answer is definitely incorrect. Definitely incorrect if the meaning of the original sentence is changed. If the meaning of the original sentence is changed. कितने lines हो गए देखो. अभी वो handwriting पे भी अलग अलग होता है ना हर एक का. Moreover, we should go with the words. So lines नहीं, अभी ये passage पढ़ने के बाद ये conclusion हुआ कि we are not going by the lines, but you have to go by the words. One third words should be there in your precis. Is that clear? Now, इस प्रेसी के कुछ मीनिंग्स हैं जो आप नोट कर दो, आइदर पैसेज के वहीं पे नोट कर दो, उसके नीचे लास्ट पेज व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग. डाउन कोल्ड, ये एक ईडियम है, तो आई थिंक ईडियम के लिस्ट में भी लिख दोगे तो भी चलेगा. दो बार लिखना पड़ेगा, लिखो, लेकिन एक बार पैसेज के वहां पे लिखो. डाउन कोल्ड, टू मास्टर समथिंग परफेक्टली. Down cold. To master something perfectly. Meaning there you down cold. To master something perfectly, that it requires no focus. To master something so perfectly that it requires no focus. To master something so perfectly that it requires no focus. ये कहाँ लिखा अभी आपने? पैसेज के वहां पे. अभी idioms का लिस्ट खोलिए और idioms के वहां पे भी लिखना है. मैम फिर से लिखना है? Of course लिखना है. मैंने लिखना है बोला है, मतलब लिखना है. Yes. Yes. So write it down. Come on. Write it down. डाउन कोल्ड. आइयो क्यों बात कर रहा है तू उधर?
down cold. Down cold का meaning क्या है? हाँ, to master something so perfectly that it requires no focus. Idioms की list में लिखते जाओ फटाफट. अब वापस पैसेज की ओर, एक और मीनिंग पैसेज के वहां पे, एक और मीनिंग. एडनोजियम, एडनोजियम मीनिंग लिखो. सेम इट इज, रिपीटिंग इट सो ऑफन. एडनोजियम का मीनिंग लिखो, repeating it so often that it becomes tiresome. Repeating it so often that it becomes tiresome. क्या थक जाते हो? अरे कितनी बार revision कराते हैं, कितनी बार repetition कराते हैं, it becomes tiresome, it becomes annoying कि हाँ बस अभी ये learn हो गया हमें. That it becomes tiresome. अब थक जाते हो. Done. Everybody has written this, huh? Okay. Now, wait a second. Here, I can say, I can conclude that my chapter of passage writing is complete. आपको तीन और passages हैं, which is your homework. ये extra practice है, उसके answer दिए गए. मैंने तीन आपके साथ किए हैं और तीन extra practice के लिए और उसका answer भी आपको provided है. आप इन तीनों का passage writing कब complete करोगे? मुझे एक deadline चाहिए. रियलिस्टिक टारगेट बना ना थोड़ा. आज क्या तारीख है? 21st है क्या आज? 1st of Feb. क्वाइट अ लॉट. नो, दैट्स क्वाइट लेट. मंडे, मंडे को क्या डेट है? मंडे को टेस्ट है. 27th है. सो 27th यू विल कंप्लीट इट. योर बुक शुड बी कंप्लीट. तो मैं एक आध दिन आगे पीछे 28-29 को मैं चेक कर दूंगी, राइट? सो तीन पैसेजेस है जिसके प्रेसी लिखने आपको, तीन पैसेजेस है जिनका प्रेसी आपको लिखना है, राइट? सो शुड वी कीप अ डेडलाइन फॉर दैट? यस. सो नोट इट डाउन. ये जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय 28th कर दो, 28th of Jan. 28th of Jan. आराम से कर. अपने को क्या हाथ 6 महीने में. चलो, क्या लिखा आपने डेडलाइन? 28th. यस, 28th of Jan यू कंप्लीटिंग दिस. नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन a few idioms. Now idioms लिखो. मैं अभी थोड़ा टाइम बचा है तो मैं वोकैबुलरी वाले चैप्टर में से एक पार्ट करा दूंगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा दूंगी आपको, ठीक है? ओपन idioms लिख के लो. चलो idioms लिखो. प्रेसी राइटिंग का चैप्टर खत्म हुआ क्या? एक समराइज कर दो मुझे प्रेसी राइटिंग का चैप्टर. रूल्स क्या है प्रेसी राइटिंग के? एक एक करके जिसको जो रूल याद आ रहा है, रेज योर हैंड्स एंड आई विल से ओके यस यू. एक एक करके जिसको जो रूल याद आ रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स. आई कैन व्हाट? यस, कंटेंट ऑफ द पैसेज शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट. सेकंड, देयर हैज टू बी अ टाइटल. यस. थर्ड, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. करेक्ट. देन आइडेंटिफाई द अदर पॉइंट्स. यस. फॉलो द ऑर्डर. वेरी गुड. आर वी अलाउड टू यूज एब्रीविएशंस? नो, नॉट अलाउड टू यूज एब्रीविएशन. शुड यू राइट इन योर ओन वर्ड्स? यस. राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. इज दैट क्लियर? यस. सो इज दैट द समरी ऑफ दिस चैप्टर? प्रेसी राइटिंग का हमने समराइज कर दिया कि ऐसा करना है. इजी? इज दैट इजी? यस. Now, write down idioms. Yes.
idioms की लिस्ट में लिखना, आपकी idioms की लिस्ट कहाँ है? Bone of contention. Subject of dispute. Idioms का लिस्ट, bone of contention, subject of dispute. ओके, अगर दो भाइयों को, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा है, सो यू नो यू विल से कि ऐसा कर दो, एक्स लिमिटेड इसको दे दो, एक कंपनी इसको दे दे. दिस इज नो द बोथ, इनका बोन ऑफ कंटेंशन ये एक कंपनी है, दोनों को यही कंपनी चाहिए. सो दैट्स द बोन ऑफ कंटेंशन और दैट्स द मैटर ऑफ डिस्प्यूट. ओके, सो वी नेवर थॉट प्रॉपर्टी वुड बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अंबानी ब्रदर्स, बट इट डिड हैपन और बिटवीन, या सो दैट्स द बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब इट इज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट. यस, नेक्स्ट, टू रूल, कितने idioms, आपका नंबर क्या है ये? 34. अच्छा हुआ है, चलो 35. टू रूल द रूस्ट, टू डोमिनेट, टू रूल द रूस्ट, डोमिनेट. You know, any actor, you can say this actor has ruled the roost for so many years, so he has dominated the movie industry, or he has dominated in this, so he rules the roost, means he is dominating. 35, ye maine diya kya, to grease the palm? Yes, to grease the palm. To offer bribe. To offer bribe. I think two more are remaining. तो सारे idioms जो मॉड्यूल में दिए हैं हमने लगभग फिर कवर हो ही जाएंगे. सो और दो मैं लिखवा के देती हूँ आपको. मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने नहीं दिया होगा. Just check this, we must have not done. Dad wanted to let me off the hook. Shh. I think one second. That side, no, you all are disturbing me tremendously. Shh. 1 minute. Either you leave the class or you remain seated. I'm ignoring. That doesn't mean that I'm liking what you all are doing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You sit here, be completely quiet, or you leave my class. Is that clear? Is that clear? Say yes. Yeah. All right. Write down the next idiom. I do not want any disturbance while I'm teaching. Okay. To grease the palm, to offer bribe. Uske baad. Dad wanted, likho. Sentence likho. Dad wanted to let me wanted to let me off the hook. Dad wanted to let me off the hook. इसका मतलब है Dad wanted to release some of my responsibilities. कि मतलब मेरे, मुझे बहुत responsibilities थी, but Dad wanted to release me of some of my responsibilities, but Mom did not agree. So Mom said no, whatever responsibilities उसने decide किए कि ये वो जिम्मेदारी वो पूरी करेगा, let him complete it, you do not help him in that. So Dad wanted to let me off the hook, but Mom did not agree. But Mom did not agree. Underline the idiom to let off the hook. To relieve someone
रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देना। जैसे बेटी ने बोला होगा कि घर, नया घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, रेनोवेशन करेंगे, तो मॉम सेड आई डोंट हैव द टाइम टू लुक इनटू इट, फादर सेड आई एम आल्सो वेरी बिजी, तो इज इट, नहीं नहीं आप बोलो रेनोवेशन कर देंगे, सारा काम मैं संभालूंगा। सो ही यू नो ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन डैड सॉ कि उससे नहीं मैनेज हो पा रहा है, उसका भी काम है, तो आई विल हेल्प हिम। सो मॉम सेड नो, बट शी डिड नॉट अग्री, सो डैड वॉन्टेड टू रिलीव मी ऑफ सम ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ही वॉन्टेड मी टू, ही लेट मी ऑफ द हुक, राइट? यस, वन मोर, 37। To make one's bed and lie in it too. हिंदी में इससे मिलता जुलता कुछ है, to make one's bed and lie in it too. नहीं, ये दूसरों के लिए नहीं है, मेक वन ओन बेड, मतलब खुद की कब्र खोदना या ऐसा कुछ हम बोलते हैं ना, कि ना आपने खुद के लिए ये कर दिया, यस, तो यू मेक वन बेड या खुद के लात, क्या बोलते हैं हम लोग, पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो देयर, टू मेक वन बेड एंड लाई इन इट टू, उसका मीनिंग लिखो, सफर the consequences of one's action, to suffer the consequences of one's action, मतलब खुद के action की आपको, you know, this is similar to to face the music, और हिंदी में क्या बोल रही है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मुहावरा क्या है, हाँ, खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना है आल्सो एज गुड एज दैट आल्सो, तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो तुम बता दो क्या, नहीं, दैट इज लाइक तुम दूसरे का बुरा करने गए, खुद का बुरा हो गया, नॉट दैट, यू हैव मेड वन्स बेड, तुमने खुद के लिए ही कर दिया ये काम, तुमने लाइक जब रेनोवेशन की बात चल रही थी तुमने खुद से बोला कि हाँ आई विल हैंडल इट, तो व्हाट डिड यू डू, यस आवेल मुझे मार, परफेक्ट, आवेल मुझे मार वुड बी परफेक्ट हियर, तो आपने खुद का बेड बना लिया, नाउ यू हैव टू लाई इन इट, डू यू अंडरस्टैंड, सो मेक वन्स बेड एंड लाई इन इट, रिपीट दिस इडियम, मेक वन्स बेड एंड लाई इन इट, अगेन कम ऑन क्विकली, मेक वन्स बेड एंड लाई इन इट, ये क्या हुआ इडियम, right? Yes. Now for Dhamsharas, I have exactly 5 minutes. Who's coming forward for the movie acting? His birthday today. तो उसको क्यों गणेश, उसको क्यों दे रहे हो? ए, तू करने वाला है क्या अनिश कुछ? Your birthday today? Wish you a very happy birthday. Yes, I'll give him chocolates. After the class. अच्छा उसको मूवी कौन दे रहा है? गो इधर इधर आके दे, सब किसी को सुनाई दिया तो ऊपर जा, इधर आ, दे somebody who sings also. See, अभी ब्रेक चल रहा है, अब तुम बात करोगे तो मैं डांटूंगी नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ाई करवा रही हूँ तब तुम बात करोगे तो मैं खुद डांटने वाली हूँ. Is that clear to everybody? Yes. अरे तो दे रही है क्या मूवी उसको? कितना टाइम लगा रही है? She's sitting here. है क्या मूवी, कौन सी थी ये, हिंदी? आयो कौन है, कौन है?
हिंदी हिंदी हाँ पहला वर्ड बोल रहे हिंदी अरे पहला बार उसने बोल दिया तू तेरा क्यों प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं उसको कितना अच्छे से कर रहे हैं तू किसको डिस्टर्ब कर रहा है अगर उसको मूवी इतना बड़ा दिया वो क्या करेगा हाँ हाँ तू बोल सबको बोल इसको बोल सिक्स वर्ड हाँ नेतविन हाँ परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड वेल डन वेल डन नित्यबिन बिजली क्या अच्छा कभी की मूवी है 1971 अभी कौन आ रहा है कौन आ रहा है अरे डरने का नहीं दिस इज द प्लेस हाँ उसको करने दो बट मैं बोल रही हूँ वो कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन आप खुद से आते हो ना यहाँ पे आपके डर आपके इनहिबिशन निकल जाते हैं यू शुड कम फॉरवर्ड तीन वर्ड्स हिंदी की इंग्लिश हिंदी हिंदी थ्री वर्ड्स मैं निकाल उसका वीडियो इंग्लिश में स्मेल ओडर बैड बैड डर्टी 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 पिक्चर डर्टी पिक्चर वेल डन वेल डन वेल डन वेरी गुड बस क्या भाई ही इज ऑन हिज हैट्रिक नाउ आ गया ऑलरेडी अभी तो और आने वाले कि नहीं आने वाले तू आ रहे चार वर्ड्स नो वील गेस वील ट्राई टू गेस लास्ट वर्ड पहलवान पहलवान ओके फर्स्ट गुरु तीसरा वर्ड क्लास शिष्य ऑडियंस नहीं चेला पहला वर्ड पहलवान गुरु गुरु चेला पहलवान बीच में क्या है कहाँ से अरे कौन से जमाने की पिक्चर दे रही है हाँ ना सेकेंड सेकेंड ही इज ट्राइंग टू टेल हाँ सेकेंड का थर्ड सेकेंड का हाँ सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड हाफ रुक सुकना इंसान इंसान
इंसान आदमी मैन मैन गुरु में मैन मैन आया अपने को फर्स्ट हाफ आया सेकेंड हाफ नहीं आया सेकेंड हाफ मैन है ओके ओके फर्स्ट हाफ ये स्टूडेंट सेकेंड हाफ इज मैन फर्स्ट हाफ गाना सुर में मंसूर मंजूर सुरमेन सरमेन हिंदी हिंदी में हाँ सुन पहले बाप रे वन हाथ बोल लिख ना तो लिख लिख अगर बीच अभी बीच वाला बोल हाँ देना देना लेना 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 करना कि ले ले सुलेमान सुलेमान व्हाट सो गुरु सुले सुलेमान क्या सुलेमान व्हाट इज दिस गुरु चेला पहलवान वेल डन वेल डन वेल डन अभी टाइम आउट है बस हो गया चल तू नीचे उतर अभी वेल डन वेरी गुड तू कहां से मूवी निकालती है वन सेकेंड आप आपका सेकेंड चैप्टर खोलो ये डमशेरा जैसे टाइम पास के लिए नहीं खिलवाया आपको रिफ्रेश हो जाए आप चार्जर हो गए हम और थोड़ी पढ़ाई करेंगे इसलिए आपको खिलवाया हाँ चलो सेकेंड चैप्टर खोलो आई जस्ट मेक वन कॉल एंड कम ओपन द सेकेंड चैप्टर है ना तो जस्ट 3:30 आई स्टिल हैव गुड 15-20 मिनट्स हेलो ओके स्टूडेंट्स वी लिसन लिसन ब्रेक हुआ हमारा हाँ ब्रेक के टाइम अच्छे से ब्रेक लेके एंजॉय करो अभी 10-15 मिनट फोकस करो सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म हो जाएंगे राइट ओके सो ओपन द हाँ जरा मुझे प्लीज बताना ना नोट्स में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कौन सी पेज पे पेज 25 ओके सो इट शुड बी माई पार्ट वन यस आई गॉट देम डियर स्टूडेंट्स यस हाँ ले क्या सेकेंड चैप्टर के नहीं है तेरे पास अच्छा ठीक है अब सुनो डियर स्टूडेंट्स
I am, listen, 10-15 minutes, we'll finish synonyms and antonyms, focus karo, and then we're done, okay, please, yes, please, synonyms and antonyms, aapko kya lagta hai, synonyms matlab kya, same meaning, very good, and antonyms are opposites, you know, synonyms mein, hum एक वर्ड को दूसरी वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं और मीनिंग में बदल नहीं होता है. देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग. लाइक दे हैव गिवन यू अ वेरी गुड एग्जांपल हियर. द लॉन्ग मूवी बोर्ड द व्यूअर्स की जगह पे आप बोल सकते हो द लेंदी मूवी बोर्ड द व्यूअर्स. तो लेंदी यूज करो या लॉन्ग यूज करो, ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं. दैट मीन्स लॉन्ग एंड लेंदी आर गोइंग टू बी सिनोनिम्स. नाउ यू आर गोइंग टू गेट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से. मैंने आपको वो पेपर एनालिसिस दिखाया था. सो पेपर एनालिसिस में इफ यू रिमेम्बर हियर, मैंने तीन अटेम्प्ट्स के आपको पेपर्स यहाँ पे दिखाए थे. तो मीनिंग एंटोनिम्स यहाँ पे एक एक मार्क के आए हैं क्वेश्चन 8B में. सेवेंथ क्वेश्चन कंपलसरी है, बचे हुए चार में से आपको तीन अटेम्प्ट करना है. प्लस एक और जगह यहाँ पे देखो 9B, अगेन यू हैव 3 मार्क्स, उसमें से एक एक मार्क मीनिंग कभी एंटोनिम्स आ सकता है, राइट. एंड एक वहां पे मार्क डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे है, वो हमारा और एक चैप्टर है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल दैट. बट यहां में से हमें समझ में आ रहा है लगभग एक 4-5 मार्क्स हो सकते हैं. एक एक मार्क का एंटोनिम, एक मार्क का सिनोनिम, कभी मीनिंग पूछी जाएगी. सिनोनिम इज द मीनिंग एंड एंटोनिम इज द ऑपोजिट. यस, राइट. सो दिस इज हाउ, यहाँ पे आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ये देखो यहाँ पे 3-11B में फिर से 3 मार्क्स ईडियम्स है यहाँ पे. तो जो हमने ईडियम सीखे वो यहाँ पे आएंगे कि आपको सेंटेंस आएगा, बोला जाएगा कि ये ईडियम है, उसका मीनिंग आपको समझना है. सो यहाँ पे ईडियम्स 2 मार्क्स के. इस टाइप से इस क्वेश्चन से हर चैप्टर जो आप पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ये पेपर एनालिसिस मैं आपको, आपका जब फाइनल बुक कंप्लीट होगा इंडेक्स के साथ मैं आपको ये देने वाली हूँ. तो यू विल हैव दिस विथ यू, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट एंड गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इफ पॉसिबल हम ट्राई भी करेंगे कि मैं एक अटेम्प्ट का पेपर आपके साथ सॉल्व कर दूं, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा किस टाइप से पेपर हमें अटेम्प्ट करना है. राइट, नाउ हियर द लेंदी वर्ड इज रिप्लेस विद लॉन्ग. नाउ सिनोनिम का मतलब है सर्कल, सिमिलर डेफिनेशंस और मीनिंग्स. सिमिलर डेफिनेशंस और मीनिंग्स, सेम मीनिंग्स वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स. Lengthy word got replaced with long, but the message of the sentence, मतलब the message of the sentence did not change. However, it must be understood that synonym may does not always carry the meaning that is exactly the same. Now I'll tell you थोड़ा सा जैसे example होता है. Now ध्यान से हम ये तीन words समझेंगे. हमें बोलने का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि synonym more or less काम कर जाएगा, but कभी कभी अलग होता है. जैसे आप अगर coaching class के लिए inquiry करने गए तो will you ask what is the कॉस्ट? वी वुड नॉर्मली यूज द वर्ड फीस. बट अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फोन, राइट. सो कॉस्ट, फी, चार्ज, लगभग सबकी मीनिंग इज द सेम. सुनो, कॉस्ट, फी एंड चार्ज, इनकी मीनिंग क्या है? सेम. बट वी डोंट स्टिल यूज इट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. सो समटाइम्स अगर इवन वो सिनोनिम हो, उनकी डिक्शनरी मीनिंग लगभग सेम हो, तो शायद हम फिर भी उसे एक जैसा यूज नहीं करते. सो फॉर कोचिंग आई वुड नॉट से कॉस्ट. प्रोफेशनल फी, अगर ऑडिटर है तो ऑडिटर को आप बोल दो कि प्लीज इंटरनल ऑडिट हमारा करना है, आपकी चार्जेस क्या होंगी. तो नॉर्मली सर्विसेज के लिए हम वर्ड चार्ज यूज करते हैं और चीजों के लिए, थिंग्स के लिए हम कॉस्ट यूज करते हैं. सो व्हाट इज द कॉस्ट? या आप किसी की अच्छी सर्विस आपने ले ली एंड देन यू से अरे आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द ऑडिटर, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, मुझे इंटरनल ऑडिट करवाना है या ऐसा कुछ करना है. अब हाउ मच डज ही रफली चार्ज? We don't normally say how much would it cost. I would say how much would he charge. The auditor क्या charge करेगा? तो professional services के लिए हम word use करते हैं charge, और professional services के लिए fees भी use किया जाता है. जैसे auditor है तो हम fees use करते हैं, coaching classes है तो we use the word fees. राइट, सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस हो सकता है. सो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज ऑफकोर्स द अमाउंट ऑफ मनी, चार्ज इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ मनी एंड फी इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ मनी. बट कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू डू समथिंग, थिंग के लिए है. सो या तो मुझे ट्रिप करना है, ट्रिप का कॉस्ट क्या होगा, या मुझे नया फोन खरीदना है, फोन का कॉस्ट क्या है. चार्ज इज फॉर समथिंग इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज.
how much is requested? Okay, there is a monthly charge of 1000. Yeah, you know, यहाँ पे हम बोल सकते हैं maintenance charges. हम society में क्या बोलते हैं? Maintenance charges. यहाँ पे maintenance charges इतना amount का है. क्यों? क्योंकि आप lift use कर रहे हो, services use कर रहे हो, कुछ goods use कर रहे हो. Fees is for professional advisor services. So this is auditor. या लॉयर की फीस है या आपकी कोचिंग सर्विसेज है, कोचिंग क्लासेस की फीस होती है. सो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फीस वर्ड यूज किया जाता है. राइट नाउ आपको कुछ खरीदना है या मैन्युफैक्चर करना है तो कॉस्ट, बट यू पे समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. सो यू नो चार्ज वर्ड यूज करते कि हमने लिफ्ट यूज करी, यहाँ का क्लब हाउस यूज किया, तो ये कॉमन एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, इसके चार्ज क्या है, चार्जेस क्या है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट. सो भले ही सिनोनिम्स हो लेकिन ध्यान से और समझ के यूज करना, कभी कभी उनमें फर्क, सटल डिफरेंस, छोटा सा फर्क होता है. एंटोनिम्स, व्हाट आर एंटोनिम्स? ऑपोजिट. अभी एंटोनिम्स में भी तीन टाइप के, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, बट आपको जानना जरूरी है कि ऐसे तीन टाइप के होते हैं. सो फटाफट इतना दो लाइन का एक थ्योरी पार्ट इसका मैं कवर कर देती हूँ और फिर डायरेक्टली प्रॉब्लम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एग्जाम्पल ले लेंगे. राइट. एंटोनिम्स आर डिफाइंड एज पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर नोशनली ऑपोजिट, नियरली ऑपोजिट. लाइक ब्रेव इज अ एंटोनिम ऑफ कवर्ड. आर यू ऑल्सो सर्कलिंग और बॉक्सिंग द वर्ड्स दैट आई एम? चलो चलो जल्दी जल्दी सर्कल करते जाना है, एकदम अच्छे बच्चे हैं, जल्दी करो. क्या सर्कल किया आपने? एंटोनिम का मतलब क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स. और एग्जांपल में क्या है? ब्रेव एंड कवर्ड. इट मे बी देयर आर न्यूमरस एंटोनिम, जरूरी नहीं कि एक ही ऑपोजिट होगा, काफी सारे ऑपोजिट्स भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल evil, evil अगर बोलते हो तो malicious, bad, corrupt are antonyms of good. Good का opposite, देखो कितने, एक ही नहीं है, bad, evil, malicious, corrupt person, तो ये सब इसके opposite है. तीन टाइप के, बहुत easy है ये, मैं आपको बताती हूँ तीन टाइप के, कितने टाइप्स के antonyms है, circle करो. graded, complementary and relational. कितने टाइप के बताओ? ग्रेडेड, चलो चलो मेरे साथ रिपीट करो बच्चा लोग, ग्रेडेड, कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेशनल. ओके, सो ग्रेडेड हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है और रिलेशनल हो सकता है. ना ग्रेडेड मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है फेयर एंड डार्क. इन दैट ऑल्सो डार्क, डार्कर, फेयर, फेयरर, तो ग्रेड्स होते हैं. एग्जैक्टली यू कैन से इट्स बैंग ऑन ऑपोजिट, बट इफ अगर शॉप में कहीं पुश लिखा है और पुल लिखा है, पुश का ऑपोजिट सिर्फ पुल होगा, इसमें कोई ग्रेडिंग्स नहीं होगी, कम पुल करो, कम पुश करो, ऐसा नहीं होता है. बट फेयर में फेयरर, डार्क लेस डार्क, डार्कर, आई कैन हैव ग्रेड्स, कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग. जैसे आपको एग्जाम के लिए ग्रेड्स मिलते हैं, कम ज्यादा हम रैंकिंग करते हैं, तो वैसे शब्दों में भी ग्रेडिंग्स हो सकती है, कम डार्क, ज्यादा डार्क, लेस फेयर, मोर फेयर, फेयरर मतलब हम बोलते हैं, तो इसमें ग्रेड्स होते हैं. बट पुश एंड पुल, दीज आर बैंग ऑन ऑपोजिट्स, मतलब इसमें कोई ग्रेड नहीं होगा. एंड रिलेशनल के एग्जांपल्स है टीचर स्टूडेंट. टीचर एंड स्टूडेंट अगर देखा जाए वर्ड्स, ये ऑपोजिट नहीं है, बट अगर इनको एक साथ यूज किया जाए टीचर एंड स्टूडेंट, देन आई एम यूजिंग एन एंटोनिम विच इज अ रिलेशनशिप. ओके, सो बायर सेलर, राइट? सो देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, देयर इज अ टीचर एंड देयर इज अ स्टूडेंट. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज रिलेशनशिप के हिसाब से एंटोनिम्स होते हैं. सो लेट्स टेक द एग्जांपल्स. ग्रेडेड, दे डू नॉट हैव, ए सुनो, ए ग्रेडेड डू नॉट हैव इक्वल वेटेज. क्यों? बिकॉज देयर कुड बी ग्रेड्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? डार्क एंड फेयर. सो हियर दे कैन बी मोर और लेस इन दैट. टिपिकली एग्जाम्पल फेयर और उसका एंटोनिम डार्क है, दीज आर ग्रेडेबल. सच वर्ड्स आर ग्रेड्स लाइक फेयरर, डार्कर, लेस डार्क. इफ समवन इज नॉट फेयर, ही मे स्टिल be not dark. तो जरूरी नहीं है कि एक fair नहीं है तो ये fair नहीं है तो ये dark ही है. No, no, no. So you say, अरे do you remember that friend of mine? अच्छा that fair girl? नहीं नहीं not fair. अच्छा she is dark? No, no, she is not dark. So this is how you are trying to describe somebody. There could be grades, there could be variations. Are you समझा कि नहीं? हाँ. Complementary
दे आर ऑपोजिट्स और इसमें ग्रेडिंग नहीं हो सकता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुश एंड पुल. देर इज नथिंग लाइक पुल लिटिल पुश मोर नो जस्ट पुल एंड पुश. रिलेशनल का दे मेक सेंस ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट लाइक बोरो लैंड टीचर स्टूडेंट आप लिख सकते हो बायर सेलर मतलब है ना. सिर्फ मैंने बोला बायर तो बायर एंड सेलर एक साथ बोला तो मुझे समझ में आया उसको कॉन्टेक्स्ट समझा. टीचर स्टूडेंट एक साथ बोला तो कॉन्टेक्स्ट समझा. सो कितने तीन टाइप से बताओ जरा मुझे. तो पहला ग्रेडेड उसका एग्जाम्पल क्या है फॉर एंड बैक बरोबर. दूसरा कॉम्प्लीमेंट मतलब बैंग एंड ऑपोजिट मतलब पुश एंड पुल वेरी गुड. तीसरा रिलेशन मतलब इसमें एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट बायर सेलर बोरोवर लेंडर बरोबर. क्वाइट ऑफन एन एंटोनिम कैन बी मेड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. ए प्रीफिक्स मतलब क्या प्री प्री मतलब पहले प्री एंड पोस्ट होता है प्री. सो प्री मीन्स पहले पोस्ट को पो मत करो नहीं है वैसा प्री एंड पोस्ट. सो यू नो प्री मतलब पहले. सो प्रीफिक्स का एक्चुअली ऑपोजिट है सफिक्स. ओके सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स मीन्स समथिंग दैट इज एडेड एट द एंड लाइक प्रोडक्ट प्रोडक्शन रिलेशन रिलेशनशिप चैंपियन चैंपियनशिप दैट इज अ सफिक्स. प्रीफिक्स कहाँ ऐड किया जाता है पहले. लाइक डिसलाइक दे बिकम ऑपोजिट जस्ट बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. रैप अनरैप रैप करना अनरैप करना. ओके लाइकली अनलाइकली सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल एंटिटी नॉन एंटिटी डिसेंट इनडिसेंट. सो दिस इज द प्रीफिक्स एड करके हमने एंटोनिम बना दिया. एडवांटेजेस में देखती हूँ वर्ड्स अगर आज हुए तो आज करेंगे नहीं तो कल करेंगे वर्ड. पता है तुमको ऑप्शन दिया तो सब कुछ कॉलेज करो आएगा. हाँ एडवांटेजेस इस सिनोनिम्स क्या रे उसको अगले अटेम्प्ट में पास होना है क्या. अच्छा ठीक है सुनो अभी. एडवांटेजेस ऑफ नोइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कोई भी वोकैबुलरी का एडवांटेज क्या होता है. लैंग्वेज अच्छा लगता है सुनने में वर्ड्स अच्छा लगता है. लाइक मैंने आपको बोला खाने में तड़का अगर ऐड कर दिया फ्लेवर ऐड कर दिया तो इट बिकम्स अ टेस्टी थिंग. सो दैट वी आल्सो वी गेट इंटरेस्ट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू रीड. सो मैंने ये किया है इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली. मैंने एडवांटेजेस हाईलाइट किए हुए हैं. कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको. और अवॉइड मोनोटोनस मोनोटोनी मतलब वही वही वर्ड बार बार रिपीट करना. अगर आप यूज ही करना चाहते हो जैसे आज के पैसेज में था डाउन कोल्ड एंड एड नोजियम हैव द सेम मीनिंग दे आर सिनोनिम्स बट अलग अलग वर्ड यूज करने से पढ़ने में अच्छा लगा. अच्छा एड नोजियम का क्या मीनिंग है डाउन कोल्ड क्या है. सो इट्स ऑलवेज बेटर द स्पीच टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड कीप राइटिंग और द स्पीच बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस. तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंटोनिम्स सिनोनिम्स यूज करो. एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली मोनोटोनी अवॉइड हो जाती है. राइट कौन है रे. तो अभी यहां से हम वर्ड और एंटोनिम्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आई विल कंटिन्यू टुमारो. यस सो आई सी यू टुमारो एट 2:30. Thank you, students.